चलिए तो जानते हैं भारत देश की बड़ी से बड़ी खबर बिल्कुल 5 मिनट में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के लास्ट में दिल दहलाने वाली खबर को मिस ना करें। पीएम मोदी देंगे न्यू ईयर गिफ्ट, 1 जनवरी 2023 को किसानों के खाते में आ सकती है पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त। सरकार की बड़ी घोषणा, अब राशन कार्ड धारकों को मिलेगा अस्थिर राशन का लाभ, लागू हुआ नया नियम। देश में फिर बढ़ी कोरोना वायरस की रफ्तार, बीते 24 घंटे में मिले 300 से कम नए मामले। पेट्रोल डीजल ने लगाई आग, आज पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए और डीजल में 2 रुपए की बढ़ोतरी। देश में अभी बढ़ेगी और महंगाई, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 300 तक होगी बढ़ोतरी। आरबीआई ने की बड़ी ऐलान, आपकी लोन की ईएमआई अब से कुछ ही दिनों बाद बढ़ जाएगी, आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला। HDFC से लेकर BOI ने दिया ग्राहकों को झटका, बढ़ गई लोन की EMI। महिलाओं को मिलेगी गर्भधारण से छुट्टी, बर्थ पोर्ट में पैदा होंगे बच्चे, आप कर सकेंगे मनभावेक बदलाव, देखें फोटो में। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर लोकसभा में हंगामे के लिए निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा लोकसभा में कांग्रेस के हंगामों के पीछे की असली वजह कुछ और भी है। नीतीश कुमार ने JDP के राष्ट्रीय अधिवेशन में नेताओं और कार्यकर्ताओं को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जीत का बड़ा आमंत्रण दिया है। अटल टनल पर फिर लगेगा सोनिया गांधी के नाम का शिलान्यास पत्थर, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का आदेश। MP में कांग्रेस 51 सीटों पर नुकसान पहुंचाएगी, आम जनता पार्टी गुजरात की तरह पर परफॉर्मेंस रहा तो 2023 में भाजपा के लिए सरकार बनना आसान होगा। पाकिस्तान के फैंस कोहली को संदेश, एशिया कप खेलो, अब हम आपको बाबर से ज्यादा प्यार देंगे, भारतीय बोले पहले आतंकवाद बंद करो।